आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी ओमियो कुमार दास के बारे में। आज गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी ओमियो कुमार दास की जयंती है। उनका जन्म 21 मई 1895 को असम के नौगांव जिले में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। ओमियो सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवाद दर्शन में विश्वास करते थे। वे शिक्षाविद और जानी माने लेखक भी थे। ओमियो का लालन पालन उनके नाना लक्ष्मीकांत बरकाकती ने किया, जो स्वयं भी राष्ट्रवादी थे और युवा ओमियो के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत प्रभावित किया। ओमियो जब तेजपुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मजदूरी भी की। उनकी राष्ट्रवादी भावना को कॉलेज जीवन में और मजबूती मिली जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट और अन्य हस्तियों के भाषण सुने। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के युवाओं को एकजुट करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब और अफीम की दुकानें बंद कराई गई और अदालतों का त्याग किया गया। 1921 में जब ओमियो दरांग जिला कांग्रेस के महासचिव थे तो ये आंदोलन और तेज हो गया। एक बार तो शराब की दुकान बंद कराते समय ओमियो का सामना एक क्रोधित महिला से हुआ, जो शराब खरीदने आई थी। ओमियो ने उन्हें शराब पीने के नकारात्मक असर के बारे में समझाया। वो महिला ओमियो से इतनी प्रेरित हुई कि उसने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद उस महिला ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ऐसा था ओमियो का नेतृत्व कौशल। जब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने स्वयं ही युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाली। स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ओमियो को 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में ओमियो ने असम के चाय बागान कामगारों के लाभ के लिए चाय बागान कामगार भविष्य निधि की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार किया। ओमियो समाज सुधारक और लोकप्रिय लेखक भी थे। गांधी जीर जीवन और आसोमोत महात्मा का जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया, जो मूर सत्य अनीश चवनर काहिनी के नाम से प्रकाशित हुई। 1963 में भारत सरकार ने राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। वे अपने पीछे प्रतिबद्धता और देशभक्ति की विरासत छोड़ गए।